साथ दिया, जिसने उनका साथ उनके लिए काम किया। आखिरी सवाल, जब चुनाव हुआ था वहां योगी आदित्यनाथ हैदराबाद आए थे, नहीं आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई जैसे मैंने योगी आदित्यनाथ का नाम कहा। नहीं क्या है, नहीं देखिए ना कि मैं सवाल पूछूं। पूछिए पूछिए पूछिए। जैसे वो हैदराबाद पहुंचे उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे और ओवैसी जी को निजाम की तरह हैदराबाद से भागना पड़ेगा, क्या कहेंगे आप योगी आदित्यनाथ को? देखिए, जहां जहां योगी गए वहां बीजेपी हारी, मैं आपको कह रहा था ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने ऐसी कोई अभी तक कोई नहीं, देयर इज नो इंडिकेशन कि जहां जहां योगी गए आप हारे। तेलंगाना में हारे, हाँ जरूर तेलंगाना में हारे। तेलंगाना में जहां योगी गए, जहां राहुल गांधी गए, जहां गुलाम नबी आजाद गए, जहां पर बड़े बड़े चंद्रबाबू ने सब हार गए। अब योगी का प्रॉब्लम यह है कि ओईसी को भगा देंगे। अरे भाई, ये भगाने की बात, ये आपकी, ये राजा रजवाड़े के राजा हैं आप, संविधान से देश चलेगा। हम योगी आदित्यनाथ से इतना ही कहना चाह रहे हैं कि बुलंदशहर में जो इंस्पेक्टर को मारा गया, आप में इतनी तौफीक नहीं हुई, इतना आप में ज़रा इंसानियत नहीं थी कि आप खुद चले जाते वहाँ पर, वहाँ जाकर मिलते, भगाएंगे कहाँ भगाएंगे। आप मध्य प्रदेश हार गए, राजस्थान हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, मिजोरम, तेलंगाना, आप हटते जा रहे हैं भगाने की बात। ये क्योंकि ये तो इनका ये अहंकार है या एरोगेंस है जो आवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। आखिर में मैं कहूंगा, अब चुनाव आ रहे हैं 2019 में, आप समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक तरह से फिर भी स्टार कैंपेनर रहेंगे, हिंदू मोबिलाइजेशन एक तरफ, आप मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करेंगे, इस तरह से राजनीति हो? राजदीप, आप बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं जो मुझे योगी आदित्यनाथ से जोड़ रहे हैं। मैं उनकी सोच नहीं रखता, मैं यकीनन ये चाहता हूँ कि मुस्लिम एम्पावरमेंट हो, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक रिलीजन हिंदुस्तान का मजहब बन जाए, एक ही रिलीजन को मेजॉरिटेरियन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ। आपका बिल्कुल, आपका सोच गलत है कि आप मुझे योगी से जोड़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि योगी अगर स्टार कैंपेनर बने तो और बीजेपी की मुश्किलात बढ़ सकती है, ही इज़ नॉट अ विनर फॉर बीजेपी एनी मोर। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि इस मुल्क को एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सरकार की ज़रूरत है, और जो बहुत ज़रूरी है, जो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे। तो योगी को तो आप देश से तो नहीं भगाएंगे ना, जिस तरह वो आपको हैदराबाद से भगाना? नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, वो हम उनको सत्ता से हराएंगे। उनको एमपी सीट तो हार गए, अब वो स्टेट भी हारने वाले हैं। चलिए, आपने एक तरह से मैसेज दे दिया योगी आदित्यनाथ को। थैंक यू वेरी मच असउद्दीन।